ये हेलो बच्चों मैं दीपक गुप्ता तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ बोल्ड डिजाइन के बारे में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे बोला है ब्रैकेट एज शोन इन फिगर इज फिक्स टू ए वॉल बाय मींस ऑफ फोर बोल्ट फाइंड द साइज ऑफ द बोल्ट इफ टी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट मटेरियल कितना दिया है सेवेंटी न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर फॉर द बोल्ट मटेरियल ओके तो देखिए सबसे पहले हमें बोल्ड डिजाइन में फाइंड करना होता है कि ये टाइप कौन सा है देखिए यहाँ पे ये लोड है लोड जो है इस परपेंडिकुलर है क्या है? ये ये एक्सिस बोल्ट यहाँ पे लगा है देखिए बोल्ड यहाँ पे रहेगा इस तरह से राइट है अगर यहाँ पे डायग्राम ड्रा करूं मैं बोल्ट का सो इस बोल्ट हेड और ये बोल्ट का एक्सिस है ओके okay? तो यहां से जो लोड आ रहा है यहां पे W एड किया है और ये एक्सिस और बोल्ट में क्या है यहां परपेंडिकुलरिटी है तो ये कौन सा केस ऑफ बोल्ट परपेंडिकुलर टू बोल्ट एक्सिस परपेंडिकुलर टू लोड और लोड परपेंडिकुलर टू द बोल्ट एक्स बोल्ट एक्सिस ओके तो चलिए देखते हैं ये सब को हम लोग किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं देखिए यहाँ पे कितना दिया है यहाँ पे देर इज अ टू बोल्ट यहाँ पे लिखा है यहाँ पे क्या सब में यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे दो बोल्ट है लेट से अज्यूम यहाँ पे बोल्ट नंबर वन है और यहाँ पे बोल्ट नंबर टू है उसी तरह यहाँ पे दो बोल्ट है तो यहाँ पे बोल्ट नंबर थ्री एंड बोल्ट नंबर फोर यहाँ पे आने वाले राइट है ना अगर इसकी साइड व्यू की बात करें हम लोग इस तरह का साइड व्यू रहेगा इसका ओके okay, छोटा बना रहा हूँ मैं यहाँ पे एक बोल्ट वन यहाँ पे अनदर बोल्ट यहाँ पे अनदर बोल्ट यहाँ पे अनदर बोल्ट यहाँ पे जो बोल्ट होगा वन होगा यहाँ पे बोल्ट थ्री होगा उसी तरह यहाँ पे बोल्ट होगा टू यहाँ पे बोल्ट होगा वो होगा बोल्ट नंबर फोर ओके तो देखते हम लोग तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे फेलियर किस तरह से होने वाला है तो अगर बोल्ट लोड जो है अगर बोल्ड के एक्सिस परपेंडिकुलर है यहां पे दो टाइप से फेलियर होंगे जैसे कि हमने पिछले समय भी देखा था कि लोड ड्यू टू द डायरेक्ट स्ट्रेस ओके और फेलियर फेलियर ड्यू टू डायरेक्ट ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस सेकेंड फेलियर ड्यू टू बेंडिंग बेंडिंग स्ट्रेस और बेंडिंग या फिर टेंसाइल बोल सकते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस की तरफ ये फेल हो सकता है हुँ? तो चलिए देखते हैं तो क्या क्या यहाँ पे आने वाला है <coughs> तो सबसे पहले अगर बात करूँ मैं दो स्टेप नंबर वन जो होगा मेरा स्टेप नंबर वन यहाँ पे आएगा लोड ड्यू टू डायरेक्ट शियर स्ट्रेस लोड ड्यू टू डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ये मेरा पहला होगा डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस उसमें मेरा यहां पर देखिये क्या क्या आने वाला यहां तो पर तो वहां पर मैं अज्यूम करता हूं पी आर डैश पी आर डैश होगा रजिस्टेंस दिस इज द रजिस्टेंस पर ट्रीवेट और पर बोल्ट रेजिस्टेंस पर बोल्ट अगेंस्ट डायरेक्ट लोड अगेंस्ट डायरेक्ट लोड यहाँ पे देखिए ये W है अगेंस्ट डायरेक्ट लोड W यहाँ पे W क्या वैल्यू है 30 किलो न्यूटन अगेंस्ट डायरेक्ट लोड डब्ल्यू दिया है हम लोग पी बोल सकते हैं उसे तो डायरेक्ट लोड डब्ल्यू ओके okay? तो वो जो होगा पी आई डैश तो पी आई डैश जो होता है पी आई डैश इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने बोल्ट्स है यहाँ पे यहाँ पे वन थ्री टू फोर चार नंबर ऑफ यहाँ पे बोल्ट है ओके okay? सब सबके सबके यहाँ पे आइडेंटिकल बोर्ड है तो सबके सबका जो पी आई होगा वो सब सेम होगा तो पी वन डैश इज इक्वल टू पी टू डैश इज इक्वल टू पी थ्री डैश इज इक्वल टू पी फोर डैश इज इक्वल टू पी दैट इज थर्टी इंटू टेन रेस टू थ्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोल्ट दैट इज़ फोर तो ये हो जाएगा आपका सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू थ्री न्यूटन ओके यहां पे ये यह मिल गया हमें नाउ सेकेंड यहां पे आएगा सेकेंड स्टेप देखिए क्या होगा यहाँ पे सेकेंड स्टेप स्टेप नंबर यहां पे टू आएगा दैट इज लोड ड्यू टू बेंडिंग या फिर टेंसाइल बोल सकते हैं राकेट में टेंसाइल ड्यू टू मोमेंट एट पॉइंट सी अभी सी क्या होता है कहाँ पे मार्क करेंगे सी देखिए इस इज द मैक्सिमम डिफ्रेस पॉइंट जहाँ पे बोल्ड और लोड आएगा सब में जहाँ पे लोड आ रहा है यहाँ पे ओके okay? तो सी यहाँ पे आएगा दिस विल बी दी पॉइंट ओके मतलब लोड से ज्यादा दूरी भी कौन सा बोल्ट है तो और एज कहाँ फिक्स हुआ है तो ये मैक्सिमम एज यहाँ पे बाहर आ रहा है तो दिस इज मेरा सी पॉइंट होता है ओके okay? तो इसके थ्रू क्या करेगा ये दिस विल बी क्रिएट वन मोमेंट दिस मोमेंट विल बी पी इंटू ई मतलब पॉइंट सी से ई e तक की दूरी तो इसको लेंगे ई e, तो ये हो जाएगा पी ई e. ये मोमेंट यहाँ से ट्राई करेगा और ये बोल्ट को यहां पे बोल्ट के थ्रू रिएक्टिव फोर्स ऐसा आएगा रिएक्टिव मोमेंट ओके इसको अपोज करने के लिए नाउ तो यहां पे क्या आने वाला है हेयर विल बी पी आई डबल डैश एंड पी आई डबल डैश होगा यहां पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पर बोल्ट अगेंस्ट मोमेंट अगेंस्ट मूमेंट ना पी आई डैश पी आई डबल डैश का फॉर्मूला होता है यहाँ पे पी इंटू ई एल आई डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ एल वन प्लस एल टू का स्क्वायर यहाँ पे दो क्यों लिया है बिकॉज यहाँ पे चारों के चारों बोल्ट आइडेंटिकल है करके हमने ऐसा लिया है राइट है अब हमें फाइंड करना है कि कौन सा बोल्ट पे हमें लेना है सबसे ज़्यादा हैवीली लोडेड बोल्ट कौन सा है देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे एल वन जो है एल वन कितना है और एल टू कितना है तो फाइंड करना पड़ेगा देखिए दिस विल बी देखिए ये यह बोल्ट यहाँ पे है सही इसे हम बोलेंगे बोल्ट नंबर टू है तो ये होगा एल और यहाँ पे बोल्ट नंबर वन है तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सी से दिस विल बी एलवन ओके okay? तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया है यहाँ पे L2 का कितना है 50 है ओके एल टू कितना है मेरा 50 है L1 जो है एडिशन ऑफ ये सी पॉइंट से लेके सी पॉइंट से लेके ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है ओके okay, इसका डिस्टेंस होगा तो L1 हो जाएगा मेरा फिफ्टी प्लस फोर हंड्रेड दैट इज इक्वल टू फोर फिफ्टी ओके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो L1 का वैल्यू कितना है मेरा यहाँ पे फोर फिफ्टी एम एम आया है वेयर एज वैल्यू ऑफ एल टू कितना है फिफ्टी तो L1 क्या है मेरा बड़ा है तो जहाँ पे ज़्यादा जहाँ जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो सी पॉइंट से फ्रॉम सी पॉइंट फ्रॉम सी पॉइंट उस पर क्या होगा ज्यादा लोड आएगा तो एलवन पे क्या आ रहा है यहाँ पे ज्यादा लोड आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे पी वन एंड पी थ्री बोल्ट आर हेविली लोडेड बोल्ट आर दिली लोडेड बोल्ट तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ पी वन फाइंड करेंगे तो पी वन डबल डैश इज इक्वल टू पी इन टू ई इंटू एलवन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ एलवन प्लस एल टू का स्क्वायर तो पी का वैल्यू कितना है मेरा यहाँ पर पी इज थर्टी तो थर्टी इंटू टेन रेज टू थ्री इंटू ई है मेरा यहाँ पर फाइव हंड्रेड एम एम एलवन है मेरा यहाँ पे फिफ्टी सॉरी एलवन है मेरा फोर फिफ्टी दिस इज़ फोर फिफ्टी डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ फोर फिफ्टी का स्क्वायर एल टू है मेरा फिफ्टी का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू अराउंड 16.46 पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू थ्री न्यूटन ओके ना अब देखिए ये हो गया ना अब यहां पे आएगा स्टेप नंबर थ्री तो हेयर विल बी स्टेप थ्री टेंसाइल स्ट्रेस ओके okay, सिग्मा टी तो क्या होगा देखिए सिग्मा टी क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है सिग्मा टी परमिसिबल इज इक्वल टू तो, और मैक्सिमम बोल सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू तो फोर्स कौन सा फोर्स ये वाला फोर्स पी आई डबल डैश वाला फोर्स ओके okay, तो यहाँ पे होगा पी वन डबल डैश डिवाइडेड बाय पाई बाय फोर इन डी सी का स्क्वायर तो देखिए यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ सिग्मा टी कितना दिया है क्वेश्चन में मुझे दिया है सिग्मा टी का वैल्यू सेवेंटी ओके सेवेंटी न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर वो पी आई डैश के वैल्यू हमने जस्ट फाइंड किया तो ये रहा तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा डीसी का स्क्वायर तो डीसी का स्क्वायर क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ओके okay? देखो ये यहाँ पे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा पी वन डबल डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा टी इन पाए ये फोर नीचे वो चला जाएगा ऊपर राइट तो यहाँ पे बनेगा डी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ पी वन डबल डैश इंटू फोर डिवाइडेड बाय सिग्मा टी इंटू पाए तो ये हो जाएगा पी आई पी वन डबल डैश सिक्सटीन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन डैस टू थ्री इंटू फोर डिवाइडेड बाय सेवेंटी इंटू पाए सॉल्व करोगे इसको ये अराउंड आएगा वैल्यू सेवेंटीन पॉइंट सिक्स जीरो के करीब आएगा वो एम एम में आएगा राइट देन हमें फाइंड करना है डी तो क्या हो जाएगा देखो डी इज इक्वल टू नॉर्मल डायमीटर डी सी डिवाइडेड बाई पॉइंट एट वो हो जाएगा अराउंड आपका वैल्यू आएगा ट्वेंटी वन पॉइंट टू फाइव एम एम इसके नियर बाय जो बोल्ट साइड होता है मेट्रिक का वो होता है एम ट्वेंटी फोर तो साइज हो जाएगा इसका एम ट्वेंटी फोर का बोल्ट हमें यहाँ पे लेना होगा ओके तो नाउ मूव करते भी नेक्स्ट सम के ऊपर सेम टाइप का सम है देखिए ओके क्वेश्चन नंबर फोर ये हो जाएगा क्या दिया है देखिए यहाँ पे ओके आई विल चूज हाईलाइटर हेर अ वॉल ब्रैकेट इज अटैच टू अ वॉल बाय मीन्स ऑफ फोर आइडेंटिकल बोल्ट बोल्ट ए एंड बोल्ट बी आई एशन फिगर एजूमिंग दैट द ब्रैकेट इज हेल्ड अगेंस्ट द वॉल एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम द टिपिंग आर अबाउट पॉइंट सी यहाँ पे पॉइंट सी दिया है बाय फोर बोल्ट यूजिंग अन अलाबल टेन साइज स्ट्रेस इन अ बोल्ट थर्टी फाइव न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर डिटरमाइन द साइज ऑफ द बोल्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैगजिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी ओके नाउ देखते यहाँ पे यहाँ पे मैंशन किया है कि यहाँ पे पॉइंट सी है और ये बोल्ट का पॉइंट ए है दिस इज द ए पॉइंट दिस इज द बी पॉइंट यहाँ पे दो बोल्ट है सेम पिछले टाइप का सम एक्सेप्ट क्या दिया है यहाँ पे कि ये यहाँ पे दिया है कि टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट कितना बोला है 35 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे आपको टेंसाइल स्ट्रेस बोला है और बोला है कि फाइंड करो uh, इसका फाइंड द साइज ऑफ द बोल्ट बेस्ड ऑन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी ओके विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी के हेल्प का यूज़ करके इसको फाइंड करो आप राइट है ना तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलता है सबसे पहले वो जानना पड़ेगा तो सिग्मा वन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ओके क्या लिखूंगा प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी क्या बोलता है सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइडेड बाय टू प्लस रूट ऑफ सिग्मा टी बाय टू होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर ओके ये फॉर्मूला है नाउ तो सिग्मा टी तो दिया है अभी हम टाउ कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं ओके okay? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ये सबको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले फाइंड करेंगे इसका डिस्टेंस एल और एल कितना है तो देखिए यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया रहेगा पॉइंट सी से दिस विल बी वन और सेम सी पॉइंट से ऊपर तक का डिस्टेंस जो नेक्स्ट बोल्ट है वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो एल टू है तो वन का वैल्यू कितना है यहाँ पे फिफ्टी एम एम एंड द वैल्यू ऑफ एल टू इज़ एडिशन करके फिफ्टी प्लस फाइव हंड्रेड दैट इज़ फाइव फिफ्टी एम एम तो मैक्सिमम लोड कहाँ पे आने वाला है एल टू पे हम लोग क्या करेंगे बोल्ट एल टू को सॉल्व करेंगे से यहाँ पे जो बोल्ट है उसका नाम है वन एंड थ्री यहाँ पे जो बोल्ट है वो है अपना टू एंड फोर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एल वन यहाँ पे एल टू ओके तो बोल्ट वहां पे है तो दिस विल बी वन ओके तो पी वन का जो बोल्ट है उसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे हु? नो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या आने वाला देखिए तो स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन सेम जो हमने पिछले टाइम किया था स्टेप नंबर वन क्या आएगा यहाँ पे डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस ओके लोड ड्यू टू डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस ओके लोड ड्यू टू डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस दैट इज पी आई डैश तो पी आई डैश इज इक्वल होगा पी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स तो यहां पे पी कितना है ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू थ्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोल्ट फोर सॉल्व करूंगा इसे तो ये आएगा सिक्स टू फाइव जीरो न्यूटन नाउ no. अभी साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे यहां एक ऐड हो जाएगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन ईच बोल्ट ओके तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा डायरेक्ट डायरेक्टर स्ट्रेस इन ईज बोल्ट दट इजाउ टाउ इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया सबके सब, सब बोल्ट सेम ही है तो यहाँ पे P1 वन डैश पी टू डैश पी थ्री डैश इज इक्वल टू पी फोर डैश ओके जो लेना है सब ले लीजिए एक ही है तो P कितना है यहाँ पे तो सिक्स टू फाइव जीरो डिवाइड बाई एरिया दैट इज पाई बाय फोर इंटू डी का स्क्वायर ओके ना ये होगा आपका न्यूटन पर मिलीमीटर के स्क्वायर में ना अब यहाँ पे आएगा स्टेप नंबर टू देखिए स्टेप नंबर टू क्या होगा यहां पे टेंसाइल और और बेंडिंग ओके टेंसाइल या फिर ब्रैकेट में बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बोल्ट ओके ओके ड्यू टू द ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड और इसेंट्रिक लोड तो फॉर्मूला क्या होता है उसका हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है राइट right? तो पी आई डबल डैश इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू एल आई डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ एल वन का स्क्वायर प्लस एल टू का स्क्वायर तो ये पी कौन सा लेना है हमने भी फाइंड किया कि जहाँ पे सी से जो ज्यादा दूरी पे है वो लेना है तो बोल्ट ए जो है वो ज्यादा दूरी पे है वहां पे हमने इसका नाम दिया बोल्ट वन एंड थ्री और इसका डिस्टेंस कितना है वो फाइव फिफ्टी ओके तो यहाँ पे आ जाएगा तो आपका वैल्यू P1 वन डबल डैश इज इक्वल टू पी इन टू ई यहाँ पर हमने नाम दिया है उसका ओके बोल्ट वन को क्या नाम दिया हमने यहाँ पे L2 नाम बोला है ओके okay? आप चाहे तो सो चेंज कर सकते हो चेंज करना है तो इसको बोलो L2, इसको बोलो L1 तो ये हो जाएगा L2 ये हो जाएगा L1 ओके okay? तो कॉमन हो जाएगा ये तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा L1 इज इक्वल टू फाइव फिफ्टी एल टू इज इक्वल टू फिफ्टी तो L1 हो जाएगा मेरा फाइव फिफ्टी डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ L1 एलवन कितना है फिफ्टी का स्क्वायर एल टू मेरा फाइव फिफ्टी का स्क्वायर ओके okay? ना अभी यहाँ पे वैल्यू ऑफ पी कितना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ पी वैल्यू ऑफ पी है मेरा यहाँ पे ट्वेंटी फाइव ओके कितना है वो देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया है द वैल्यू ऑफ पी ट्वेंटी फाइव ओके नहीं दिया है यहाँ पर तो दिस वैल्यू इज़ ट्वेंटी फाइव किलो न्यूटन दिस वैल्यू इज़ ट्वेंटी फाइव किलो न्यूटन तो ये है तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रिज टू थ्री ओके पी का वैल्यू और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा द वैल्यू ऑफ ई इसेंट्रिसिटी दैट इज़ फाइव हंड्रेड एम कितना है वो फाइव हंड्रेड एम तो देखिए ई कहाँ से आया तो टिपिंग पॉइंट जो है टिपिंग पॉइंट से ये रहा टिपिंग पॉइंट पॉइंट नंबर सी टिपिंग पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है वो फाइव हंड्रेड दैट इज ओके तो ये हो गया ई e, मिल गया हमें तो पूरा सॉल्व कैसे होगा तो ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू थ्री इंटू ई कितना होगा फाइव हंड्रेड इंटू फाइव फिफ्टी डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ फिफ्टी का स्क्वायर प्लस फाइव फिफ्टी का स्क्वायर सॉल्व so, करोगे इसे तो आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ पे इसका तो इसका वैल्यू आया है आपका वन वन टू सेवन जीरो पॉइंट फोर नाइन न्यूटन ओके ना अब यहां पे क्या आएगा फिर देखिए तो यहां पे आएगा टेंसाइल स्ट्रेस तो दी टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट एट ए, ए ए पे क्यों लिया क्योंकि ज्यादा दूरी पे सी से इज गिवन बाय इज गिवन बाय सिग्मा टी इज इक्वल टू ये वैल्यू दैट इज पी वन डबल डैश डिवाइडेड बाय ए तो पी वन डबल डैश मेरा वन वन टू सेवन सेवन जीरो पॉइंट फोर नाइन डिवाइडेड बाय पाई बाय फोर इंटू डीसी का स्क्वायर ओके नाउ तो यहाँ पे मिल गया आपको ये वैल्यू इसका ये हो गया अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है यहां पे स्टेप नंबर जो थ्री है हमारा यहाँ पे कि हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल स्ट्रेस का यूज करके एरिया ऑफ द बोल्ट ओके और साइज ऑफ द बोल्ट फाइंड करना है हमें यहां पे तो देखिए यहां पे स्टेप नंबर थ्री अप्लाई प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ओके क्या बोलते हैं वो सिग्मा वन ओके ये गलत दिख रहा है सिग्मा नहीं दिख रहा है रफ कर देता हूँ मैं देन दिस इज दिस इज सिग्मा वन इज़ इक्वल टू सिग्मा टी बाय टू प्लस रूट ऑफ सिग्मा टी बाय टू दी होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर ओके ना तो सिग्मा टी कितना है मेरे पास वैल्यू यहाँ पे वन वन टू सेवन जीरो पॉइंट फोर नाइन डिवाइडेड बाय एरिया और ये टू एज इट्स आ जाएगा यहाँ पे टू प्लस अगेन सिग्मा टी का स्क्वायर सिग्मा टी कितना है यहाँ पे वन वन टू सेवन जीरो पॉइंट फोर नाइन डिवाइडेड बाय ए और यहाँ पे टू आ जाएगा उसका स्क्वायर प्लस टाउ का वैल्यू कितना है हमारा हमने यहाँ पे टाउ का वैल्यू फाइंड किया है सिक्स टू फाइव जीरो डिवाइड बाई बाई फोर डी स्क्वायर हम लोग पाई बाई फोर नहीं लिखेंगे ए ही लिखेंगे यहाँ पे फिलहाल में तो ये हो जाएगा सिक्स टू फाइव जीरो डिवाइडेड बाय ए उसका स्क्वायर ओके इसको सॉल्व करोगे आप तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये रूट के अंदर है तो देखिए क्या हो जाएगा ये वन अपॉन ओके रूट ऑफ वन अपॉन ए का स्क्वायर बाहर आ जाएगा वन अपॉन ए की तरह रूट रूट गेट कैंसल ओके तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन ए बाहर आ जाएगा तो ये सॉल्व ये तो नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा वन वन टू सेवन पॉइंट फोर नाइन का स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस सिक्स टू फाइव जीरो मतलब देखिए वन वन टू सेवन जीरो पॉइंट फोर नाइन डिवाइडेड टू का होल स्क्वायर प्लस सिक्स टू फाइव जीरो ओके ये कुछ नहीं डिवाइड बाय कुछ भी नहीं यहाँ पे सिक्स टू फाइव जीरो तो ये सॉल्व करोगे इसको ए वन अपॉन के टर्म में ही रहेगा यहाँ पे तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा एट फोर वन फाइव पॉइंट थ्री सेवन डिवाइडेड बाय ए वैल्यू एज इट इज यहां पे बचा हुआ है तो ये वैल्यू यहां पे नीचे आ जाएगा प्लस टू सेवन जीरो दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा वन फोर जीरो फाइव जीरो सिक्स डिवाइडेड बाय गया यहाँ पे मिल गया आपको सिग्मा वन का वैल्यू ओके नाउ अब हम फाइंड करेंगे साइज ऑफ द बोल्ट तो देखिए साइज ऑफ द बोल्ट कैसे फाइंड करना है हमें यहाँ पे तो हमें क्या दिया है द स्ट्रेस का वाली हाँ पे दिया है देखिए इफ द अलावेबल टेन स्ट्रेस कितना बोला है थर्टी फाइव कितना बोला है वो थर्टी फाइव राइट देखिए यहाँ पे तो ये इसको क्या करेंगे हम लोग सिग्मा वन यहाँ पे इक्वेट करेंगे सिग्मा वन इक्वल टू थर्टी फाइव इज इक्वल टू वन फोर जीरो फाइव जीरो पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय ए ओके okay, और एक है यहाँ पे पाई बाय फोर डी सी का स्क्वायर राइट है ना तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सो so, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन जीरो फाइव जीरो पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय पाए यहाँ पे इन टू फोर यहाँ पे थर्टी फाइव तो ये सॉल्व करोगे रूट निकालोगे इसका तो इसका वैल्यू आपको आएगा देखिए कितना आता है इसका वैल्यू तो वन फोर जीरो फाइव ज़ीरो पॉइंट सिक्स इंटू फोर डिवाइडेड बाय पाई इंटू थर्टी फाइव रूट ऑफ़ द आंसर ट्वेंटी टू कितना है वैल्यू इसका दिस इज ट्वेंटी टू राइट है ना तो डी कितना हो जाएगा डी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाय पॉइंट एट ट्वेंटी टू डिडेड बाय पॉइंट ऐट तो ये हो जाएगा अराउंड ट्वेंटी एट एम एम तो हम लोग बोल्ड ले लेंगे एम थर्टी का तो ये होगा साइज ऑफ द बोल्ट एम थर्टी इज़ द साइज ऑफ़ द बोल्ट सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है बट आप ध्यान से देखिए इसको आपको पसंद आएगा और आपको आ, आपको जो डाउट रहेंगे आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो